जीपीएल 4 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला गया, जिसमें लडपुरा की टीम ने रोजा याकूबपुर की टीम को 6 विकेट से हरा दिया। लडपुरा की टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। रोजा याकूबपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट खोकर 143 रन बनाए, जिसमें देवराज नागर ने 15 बॉल 2 चौके 1 छक्के के साथ 24 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए लडपुरा की टीम ने 15.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 144 रन बना लिए। विवेक भाटी ने 24 बॉल में 3 चौके 6 छक्के के साथ 52 रन बनाए। सचिन भाटी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। विजेता टीम को 1,00,000 रुपए और उपविजेता टीम को 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन पिछले कई वर्षों से रविंदर भाटी एडवोकेट करते आ रहे हैं। बात करेंगे उनसे इस टूर्नामेंट के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा प्रतिभाएं जिनको मौका नहीं मिलता आईपीएल की तर्ज पे, उनको ऐसे स्टेडियमों में अच्छी पिचों पर और उनको एक अवसर प्रदान करना है, ताकि वो अपने जिले का, गांव का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। तो आज ही जीपीएल का फाइनल आज यहाँ हो रहा है और जीपीएल का फाइनल रोजा याकूबपुर लडपुरा के बीच खेला जा रहा है, और इसमें जो भी टीम विजयी रहेगी उसे 1,00,000 रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी, और जो सेकंड है उसे जो 51,000 रुपये ट्रॉफी दी जाएगी। और इस जीपीएल में हमारे साथ आयोजन कमेटी में भाई प्रेमवीर नागर, पूर्णजी खिलाड़ी सोन नागर और बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ ही इसमें सहयोग करते हैं। सभी का इसमें सहयोग और प्यार मिलता है। मेरी इस आपके माध्यम से केवल एक बात उत्तर प्रदेश क्रिकेट बोर्ड को मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे ज़िले में क्रिकेट एसोसिएशन नहीं है। हमारे ज़िले में क्रिकेट एसोसिएशन होनी चाहिए, उसे मान्यता मिलनी चाहिए, और जिससे हमारे ज़िले के खिलाड़ियों को आगे रणजी में, आईपीएल में और अंडर 19 में यहां से चयन के लिए आसानी हो सके, क्योंकि यहां से गौतम बुद्ध नगर में एक से एक अच्छी प्रतिभा है, और यहाँ से बच्चों को मेरठ या कानपुर जाना पड़ता है। सिलेक्शन कमेटी यहाँ की कोई वर्किंग कमेटी नहीं है। हमने यहाँ कई एसोसिएशन यहाँ कार्यरत है, लेकिन उनको किन्हीं कारणों से उनको मान्यता नहीं दी जाती। तो मेरा उत्तर प्रदेश क्रिकेट बोर्ड से और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे ज़िले के तमाम शीर्ष नेताओं से और अधिकारियों से ये निवेदन है कि इस ज़िले की क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिलनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को एक अवसर मिल सके। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि हमारे इस जीपीएल टूर्नामेंट के द्वारा जो युवा खिलाड़ी हैं, और यदि उन्हें किसी संसाधनों की कमी की वजह से कहीं मौका नहीं मिल पा रहा है, ड्रेस की वजह से नहीं मिल पा रहा है, किट की वजह से नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी जीपीएल पूरी आयोजन कमेटी उनको जो फ्री किट प्रदान करेगी और टी शर्ट प्रदान करेगी, और यदि कोई फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है तो वो भी करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जीपीएल को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू। वैसा ये हमारा जीपीएल शुरू हुआ है, ये अब कम से कम 3-4 साल से हो रहा है, और 3-4 सालों में इतने अच्छे क्रिकेटर यहाँ से निकल के गए हैं। आज उन बच्चों ने इतनी अच्छी पहचान यहाँ पे बना ली है कि उन बच्चों को ये नहीं कि वो यहीं खेल रहे हैं, वो बाहर जाते हैं, दिल्ली स्टेट जाते हैं और जगह स्टेटों में जाते हैं। तो आज हमारे ज़िले के बच्चों की बहुत अच्छी पहचान बन गई है इस जीपीएल के माध्यम से। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई रविंद्र भाटी जी का, सोनू का, और जितने भी जीपीएल आयोजन कमेटी है, सब बहुत अच्छी तरह से इसमें योगदान करते हैं, और सारा अच्छा जो श्रेय जाता है वो जाता है वैसे रविंद्र भाटी जी को, क्योंकि इतना बड़ा मंच तैयार करना हर किसी के बस की नहीं। मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा कि हमारे जीपीएल में जो शुरुआत हुई थी 2009 में, 2015 में, 16 में और 18 में, इसमें जो युवा प्रतिभाएं निकली हैं वो जिनको इससे जो स्टार युवा निकले हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में रणजी में, अंडर 19 में, अंडर 23 में नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे सुमित गोली बरौंडा हो, चाहे संजीव नवाता हो, बहुत सारे युवा खिलाड़ी हो, जानू अंसारी हो, और हमारे जो ज़िले के खिलाड़ी कहीं ना कहीं किसी स्टेट में अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं, और आगे भी आपको जीपीएल से नई नई प्रतिभा देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू।